Hey guys, good morning. Good morning. Hey guys, good evening. मेरा नाम अक्षय है, आप देख रहे हैं अक्षय वीलॉग 0008 मेरा चैनल, ठीक है। तो अभी बजे शाम के 8, मैं देख रहा हूँ सौरभ जोशी के वीलॉग्स, ठीक है। ये मैडम भी देख रही है मेरे साथ चाय पीते पीते। चाय कैसी बनी? अच्छी। बढ़िया बनी? आपने तो नहीं बनाई ना, पूछ रहे हो ऐसे। देखो चाय नहीं बनाई मैंने, लेकिन इसके लिए डाइट नमकीन जरूर लेकर आया हूँ, है ना। इतनी बढ़िया चाय गर्मा गर्म, और बाहर बारिश का मौसम अजीब सा, और ठंड में बारिश होती है ना बिल्कुल मज़ा नहीं आता, खून तक चढ़ती है, अलग है कि नहीं। तो यार ठंड में ना बारिश तो नहीं भी होनी, नहीं ही होनी चाहिए। इतना सीरियस क्यों हो गए? ठीक है, अगली दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत ये है कि मेन रोड पे निकलो, इतना ट्रैफिक जाम, इतना कीचड़, ऊपर से ठंड, ठीक है। जो ऑफिस वाले बंदे हैं जो टू व्हीलर पर ट्रैवल कर रहे हैं, यार उनसे पूछा करो, मतलब मैं टू व्हीलर पर जाता हूँ, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान हो, जाना पड़ता है। आईटी में हूँ, छुट्टी नहीं ले सकता, क्यों, है ना। तो यार दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। गाड़ी क्या होता है ना, गाड़ी जो होती है फंस जाती है। गुड़गांव से दिल्ली के जो रास्ते हैं ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो सेक्टर 21 वाला, द्वारका वाला रोड भी पूरा इन्होंने तहस नहस कर दिया। आप लोग अगर वहाँ से जाते हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं तो अभी एक हफ्ता हो गया घर में हूँ ड्यू टू कोविड सिचुएशन। मेरा ऑफिस अभी WFS पे चल रहा है, मॉर्निंग से काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था। सुबह से काम कर रहा हूँ, अभी 8 बजे टाइम मिला तो सोचा चलो ब्लॉग बना लेता हूँ। एक भी डे स्किप नहीं होना चाहिए, भले यार 3-4 मिनट की या 5-6 मिनट की वीडियो दिखाऊँ, लेकिन आपको दिखाऊंगा जरूर। मैंने आप पूरे दिन क्या करा, पूरे दिन का भी अगर दिखा पाऊंगा ना, सुबह से लेकर शाम तक का, या सुबह से लेकर शाम तक का ना, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं होता, ठीक है। मॉर्निंग उठते मैं लैपटॉप अपना खोल लेता हूँ, नाश्ता वास्ता करके शाम को फ्री होता हूँ, तब जाके मेरा मन करता है कि चल यार अब ब्लॉगिंग कर ली जाए, है ना। तो चलो चाय नाश्ता करते हैं फिर। कुछ कुछ बोलिए, बोल नहीं बोलेगी, चलो छोड़ो। ऊपर से आज एक तो इतना वर्कलोड था, ठीक है, सैटरडे संडे का लॉकडाउन है दिल्ली में, आपको पता ही होगा। कल फ्राइडे है, 5 तारीख को मेरी गाड़ी की सर्विस थी, अब मारुति वालों ने खून चूस रखा है मेरा, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं, मैं उनके मैनेजर से बात करूँगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करवाऊँगा डे बाई डे, तब अपनी सेकेंड सर्विस कम्प्लीट करवाएंगे, क्योंकि यार ऑफिस भी है और सैटरडे संडे ऑफ भी है, तो उनका भी कहना ठीक है कि टाइम पर सर्विस हो जानी चाहिए गाड़ी की। देखते हैं कभी कभी शेड्यूल होगा तो आपको दिखाएंगे, कब मैं गया गाड़ी सर्विस करवाने के लिए अपनी सेकेंड। सामान तो वैसे मैंने सारा निकाल लिया, ये देखो इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर मेरी गाड़ी के कागजात हैं, तिजोरी है, दस्तावेज, करोड़ों के नोट हैं, है ना। अभी तो शिफ्ट है, लेकिन सिर्फ शिफ्ट ही हमारी पहली गाड़ी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। शिफ्ट के बाद हमने प्लान कर रखा है एक बढ़िया सी 4x4 गाड़ी लेने का, है ना। कौन सी लेंगे, या तो फॉर्च्यूनर आएगी या तो आएगी थार, दोनों में से कोई। आपने बता क्यों दिया? हाँ तो दोनों में से कोई एक आएगी, वो सरप्राइज है ना, ये भी तो सोचो। अब वो तो जिस दिन आएगी उस दिन पता चलेगा, लेकिन उसके पहले बहुत चीज़ें यार अचीव करनी है। सिर्फ इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता, आप लोग भी पैसे बचाओ और अपने आपके लिए अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखो, क्योंकि कोरोना का सिचुएशन जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो अपने आपको सेफ रखो। पहले हालात सही हो जाए, हर जगह के माहौल सही हो जाए, उसके बाद देखेंगे कुछ। चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं, वरना चाय ठंडी हो जाएगी, फिर ये गर्म नहीं करके देगी मेरे को, मुझे पता है। अभी किसने दिए? अभी तो ये बनाकर लाइए ना, अगर गलती से ठंडी हो गई चाय, फिर ये मेरे को गर्म नहीं करके देगी, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं, अभी मैडम के वीडियो की एडिटिंग, जो कि कल इन्होंने शूट करी थी, ठीक है। कल की शूटिंग की वीडियो आज इन्होंने एडिट कर ली, मैंने एक्सपोर्ट मार दी 4K के अंदर, अब डल जाएगी, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। चैनल का नाम तो पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो बता देना, मैं लिंक दे दूँगा आपको चैनल पर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, है ना। अभी ये बना दी मैगी, इसको लग रही थी बहुत तेज भूख, रखा ना कुकर, मैगी खाते हैं, मसाला भी डाला है। मैगी कौन सी थी आज की, पनीर वाली थी मटर वाली थी? मटर वाली ही मैगी खाया करो, क्योंकि पनीर वाली जो होती है ना वो फीकी होती है। ये देखो, ये देखो मटर बनी हुई ना, ये वाली मसालेदार होती है। इसे लिखा भी है, ये देखो कैमरा में जैसे आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, ये है मसाला मटर रेसिपी, ठीक है। अगर पनीर वाला होगा तो वहाँ पे दाल मखनी रेसिपी लिखा होगा, ठीक है, तो चेक करके लेना। हाँ, और मैं लाया था इसके लिए डाइट नमकीन, वो भी एक आ चुकी है, 2 पैकेट लाया था, 1 पैकेट निकाल लिया, 1 बचा हुआ है। कल जाना है, दांत दिखाना है डॉक्टर को, छुट्टी है नहीं, सैटरडे संडे वो है लॉकडाउन है, तो समझ में नहीं आ रहा ऑफिस वाले ऑफ देंगे नहीं देंगे, देखते हैं क्या चलेगा। अभी बात करता हूँ फ़ोन करके अमित सर से या चिराग कोई सर से, है ना। दांत दिखाना बहुत ज़रूरी है, जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। कल मेरी 3rd सिटिंग है वहाँ पे डेंटिस्ट के पास, क्योंकि इसने 2 बारी में तो जो दवाई होती है लगा दी थी, अभी भी लगी हुई है, टैबलेट्स वगैरह खाता रहता हूँ मैं, अब मेरी टैबलेट खत्म हो गई, इसने बोला था टैबलेट खत्म हो जाता फिर आना।
अब मैं जाऊँगा तो पता चलेगा कि उसने क्या करना, दांत निकालना है कि उसी को रिपेयर करेगा। दांत तो मैं उसको तोड़ दूंगा अगर उसने मेरा दांत छेड़ने की कोशिश करी है ना। वो गलत, वो मेरे को लग रहा है, मेरे को ना हल्के में लगा कि इसके दांत बड़े प्यार से निकाल दूंगा। उसको पता है शेर का दांत कैसे निकालते हैं, ये घूसा दे देगा मारूंगा उसको। बोल बोल सुन रहा हूँ। ये अभी मेरे को ज्ञान दे रही है, देखो कंपल के अंदर घुस के अपना वीडियो ब्लॉग वगैरह इसने अपलोड कर लिया है, तो वो अपना वीडियो वगैरह देख रही है। ठीक है, अभी बज रही है 10:15, खाना वाने का टाइम हो गया, बाहर से काफी चीखने चिल्लाने के बाद खाना ले लेकिन हमारा अभी थोड़ा सा पेट भरा हुआ है। मैगी वैगी खाई थी आपको पता ही है, पिछली वाली क्लिप में आपने देखा हुआ है ना। तो यार खाना खाएंगे हम 11 बजे तक, क्यों? बिल्कुल देख रही है यारी यारी यारी। हाय फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था कि ट्यूबलाइट मतलब कि अगर अच्छी लाइटिंग हो तो आपके कैमरे की क्लैरिटी और क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई साहब हम मानोगे नहीं, ज़बरदस्त क्लैरिटी आ रही है। पीछे का व्यू तो अच्छा नहीं आ रहा जितना, मतलब कि मेरे जो फेस का लुक आ रहा है ना एकदम शार्प, मज़ा आ गया देख। मैं कल एक काम करूँगा, 2-4 ट्यूबलाइट खरीद लूँगा, भाई साहब फ़ोन के ऊपर लगा दूँगा, जब वीडियो बनाऊँगा एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे DSLR खरीद रखा है। DSLR भी लेंगे यार, जब थोड़े मालदार पार्टी हो जाएंगे, आप लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो DSLR भी ले लेंगे। या आप लोग इस पर सब्सक्राइब करते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो, वीडियो को लाइक करते नहीं हो, तो कैसे काम चलेगा है ना। हम छोटी छोटी सी जॉब करने वाले बंदे हैं, वीडियो बनाता हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पैसों के लिए वीडियो बनाए, मेरे को मज़ा आता है वीडियो बनाने में। छोटी छोटी क्लिप में डालते रहता हूँ, शॉर्ट डालते रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। उसमें अगर मेरी ऑडियंस मेरे साथ में देखे तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। और कब तक मैं ये सैमसंग का फोन से वीडियो बनाऊंगा यार, मेरे को आईफोन पे भी जाने दो कभी। नहीं आईफोन पे नहीं आना, मेरे को एक प्रॉपर DSLR लेना है, वो भी कैनन का। मैंने सोच रखा है 200D Mark II लूँगा। जब चैनल का मेरे को ग्रोथ लगेगा, ऐसा नहीं है कि अपनी जगह जा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि थोड़ा सा और आप लोग सपोर्ट करो तब आएगा मुझे। चलो खाना वाना खाते हैं। तो फाइनली गाइस, फिर हमने काफ़ी सोचा समझा, काफ़ी मशक्क़त करी और फिर एक सोल्यूशन निकाला कि एक ट्यूबलाइट तो है ही है ना। ये देखो सामने एक ट्यूबलाइट हम इधर लगा देंगे, एक ट्यूबलाइट हम उधर लगा देंगे, एक अपने सर पे लगा लेंगे है ना। भाई साहब पूरा कमरे में लाइटिंग ही लाइटिंग हो जाएगी, इतने ट्यूबलाइट लगा दूंगा, इतने ट्यूबलाइट लगा दूंगा किसी ने सोची ना होगी। तो आप सजेस्ट करो कितनी ट्यूबलाइट लगाऊँ, उतनी ट्यूबलाइट लगा दूंगा मैं पूरे घर में। पूरे घर में नहीं, मतलब कि यहाँ पर मैं ज़्यादा ब्लॉग बनाता हूँ। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब लाइटिंग का खर्चा ना है, छत पे जाके वीडियो बनाते हैं, मतलब हद हो गई। जैसे कि अब छोड़ो यार, क्या हम तो छोटे छोटे ब्लॉगर हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं बेचारे, रोस्ट करने में कमी नहीं छोड़ते भाई वो लोग। जैसे जोगिंदर की उन्होंने लाइफ ख़राब कर दी ना, वैसे वो किसी की भी कर सकते हैं। तो डैट्स वाई भाई हमें पचड़ों में नहीं पड़ना किसी का नाम लेकर, बाकी तो सबको पता ही है कौन कौन छत पे बनाता है। एक चीज़ बताऊँ क्या हुआ, खाना लेकर आया था मैं, खाना खा चुका हूँ, ब्लॉग बनाना भूल गया। सो भी गई अभी बज रहा 11:30, सोचो 11:30 बजे हम खाना खा रहे हैं, 10:30 बजे तो मैगी खाई थी हमने। अभी काम भी है थोड़ा, अभी एडिटिंग भी करनी है, एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करके फिर सोऊंगा। कल मॉर्निंग में भागा दौड़ी है, फटाफट से तैयार हो गए जाना है डेंटिस्ट के पास। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगती है तो भैया लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके चैनल पर भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आते हैं, इसका चैनल भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग है ना। चलो बहुत बगलोरी हो गई।